नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं हूं श्याम कुमार कंवर, और आज मैं आपको एक ऐसी औषधि से परिचित कराने वाला हूं जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे। जानते होंगे तो भी कोई बात नहीं है, उसको उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। ये औषधि का नाम है भुईनीम, जिसको छत्तीसगढ़ी में भुईनीम बोलते हैं। गांव के लोग तो भुईनीम ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, और इसका हिंदी नाम क्या है मुझे भी पता नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ कर जान लीजिए कि इसका क्या उपयोग है, क्या काम करता है। तो बता देता हूँ मैं आज आपको कि यह एक ऐसी औषधि है जो किसी भी प्रकार के बुखार को नष्ट करने में, ख़त्म करने में बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है और असरकारी है। आप इसको गांव देहात में कहीं भी बरसात के मौसम में आपको आसानी से यह औषधि मिल जाएगा। अगर आपको इसको ख़रीदना है तो शहर में भी किसी भी जड़ी बूटी की दवाई की दुकान में, औषधि की दुकान में जहां पूजा सामग्री मिलता हो, वहां आप जाकर बोलोगे कि मुझे भुईनीम लेना है बुखार में जो काम आता है करके, तो वो अभी इस औषधि को दे देगा। और इसका प्रयोग भी बहुत ही आसान है। इसको आप सुबह खाली टाइम और शाम को खाली टाइम उबाल कर पीजिए। इसको उबालना किस तरह से है मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। इसको एक गिलास पानी और कुछ मात्रा में औषधि, 4-5 कलियाँ या फिर 4-5 इसकी छोटी छोटी कूट कूट कर, छोटी छोटी कूट के औषधि बना लीजिए। उसको 1-2 चम्मच डाल लीजिए एक गिलास पानी में और उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब एक गिलास पानी का आधा गिलास बच जाए, तब उसको निकाल कर, उतार कर, छान कर इसको पीजिए खाली पेट। उसके बाद पीने के बाद 1-2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। ऐसे ही सुबह शाम करना है आपको 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन पीने के बाद ही आपको आपके बुखार में राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगी, वो भी बिना खर्च किए आसानी से। और आपके शरीर को भी कोई साइड इफ़ेक्ट, नुकसान या किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं करने देगा। यह बहुत ही अच्छी औषधि है, इसको जान समझ लीजिए और इसको प्रयोग कीजिए। और अपने गांव देहात सभी को आयुर्वेद ग्राम बनाइए। आयुर्वेद ग्राम बनाकर स्वस्थ रहिए, अपनी लंबी आयु बढ़ाइए। और किसी भी प्रकार की मेडिकल की केमिकल युक्त दवाई का प्रयोग कभी ना करें, जहाँ तक हो सके ऐसी ही देसी औषधि का प्रयोग करें, क्योंकि यह देसी औषधि शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमेशा लाभ ही पहुंचाती है। तो मुझे आशा है यह औषधि आप लोगों की बहुत काम आएगी। इसको अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए, और इसको छत्तीसगढ़ी में भुईनीम ही बोलते हैं। यह किसी भी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। यह औषधि बहुत ही असरदार औषधि है दोस्तों। इसको एक बार आजमा कर ज़रूर देखिए और इसके पत्ते को देख लीजिए ध्यान से, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। लेकिन इसको पहचानने की एक सबसे बहुत ही बड़ी आसान तरीका है, बहुत ही बढ़िया आसान तरीका है। इसको जब भी आप ख़रीदते हैं तो इसके थोड़ी सी मात्रा मुंह में रख कर देखिए, आपको कड़वाहट महसूस होगा। ये इतना कड़वा है कि कोई भी बुखार की औषधि से बढ़कर ही है, और केमिकल युक्त नहीं है। ये बहुत ही अच्छी दवाई है। आप इसको अपने बुखार में, किसी भी प्रकार के बुखार में अच्छी तरह से प्रयोग कीजिए। और अगर इसकी कड़वाहट आप दूर करना चाहते हैं तो इसके साथ थोड़ी सी मात्रा में गुड़ मिलाकर उबाल कर इसको पीजिए और इसका प्रयोग कीजिए। थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाएगी, लेकिन असर उतना ही रहेगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर कुछ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं आपको इस चैनल में। और इससे भी बढ़कर हर प्रकार की वीडियो इस चैनल में डाला जाता है, तो प्लीज़ इस चैनल को